जय श्री कृष्ण व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो में दर्शकों हम डिस्कस करेंगे एक रेमेडियल उपाय, और ये जो उपाय है ये शास्त्रों से आया हुआ है। इंसिडेंटली पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसके लिए मुझे वेदों को रेफर करना पड़ा, और वेदों से कुछ चीज़ें मुझे मिली, और उसके बाद उसी चीज़ को मैंने जब गीता के साथ रेफरेंस मिलाने का प्रयास किया तो एक बहुत खूबसूरत सी रेमेडी निकल कर आई, और वो रेमेडी आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आपको वो वैदिक झलक भी मिलेगी, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गया वो फिलॉसफी का पार्ट भी आपको मिलेगा। अब हम उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। दर्शकों, आप सबकी लाइफ में ऐसे बहुत से मौके आए होंगे जब आप लाइफ में डाउन फील करते हैं, डिप्रेशन सा आपके अंदर आ जाता है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत डाउन आ जाता है, आप पॉजिटिव सोच नहीं पाते। यहाँ तक क्या जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करने वाले हैं, उन दिनों में उनसे मेडिटेशन करना तो दूर की बात, अपने मन को फोकस करना भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये स्थितियां कैसे होती हैं, किसी को बहुत भयंकर लॉस आ गया, किसी के परिवार में किसी का सडन डेथ आ गई, किसी को जैसे प्यार वाला सिचुएशन है, लव सिचुएशन में कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के चला गया, आपके सामने कुछ ऐसी रेवलेशंस आ गई जो आप सोच भी नहीं सकते, वो भी बहुत आपको डाउन फील करवा देगी। या कई बार कुछ ऐसी डिजीजेज आ जाती हैं जिससे आदमी बिल्कुल डाउन फील करना शुरू कर देता है। अब ये जितनी स्थितियां दर्शकों मैंने आपके साथ शेयर करी, अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको मिली, जरूरी नहीं है कि आपने क्रिएट करी। अब आपने क्रिएट करी या सिचुएशन आपको मिली, बट सच्चाई तो ये रहेगी कि ये सिचुएशन आपको मिली, ये एनवायरनमेंट आपको मिला। कोई भी एनवायरनमेंट जब किसी को मिलता है तो हम उसे ज्योतिष में कैसे देखते हैं, ज्योतिष में देखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपके पास्ट का, एक रास्ता है आपके फ्यूचर का, ये दोनों रास्ते हैं। अब पास्ट का रास्ता जो आता है, अब जैसे किसी को कोई लॉस आया, अब लॉस एकदम से तो आएगा नहीं, वो आते आते यानी कि वो ट्रांजिशन पीछे से चली जिसकी वजह से वो लॉस आया। आपका कोई लव एंगल है, लव एंगल एकदम से तो आया नहीं, अब लव एंगल हर लव मैरिज में जाए या वो बहुत स्टेबल रिलेशनशिप में चला जाए ये हम डिक्टेट नहीं कर सकते, हम अपने तरीके से नहीं सोच सकते। सो मजॉरिटी चीज़ों में आप देखोगे कि केतु प्रेजेंट था। अब जैसे बीमारी की भी बात है, अब बीमारी एकदम से तो शरीर में आएगी नहीं, बीमारी अंदर शुरुआत हो जाती है, हमें उसके सिम्टम आने में टाइम लगता है, और सिम्टम जब आते हैं तो उसका सबसे पहला वार किस पे होता है, ये अब आप समझिए, ज्योतिष की दृष्टि से समझिए। अब चीज केतु से शुरुआत हुई, केतु से उसकी ट्रांजिशन आई, अब एक चीज पीछे से चली आ रही है, उसका एक मोमेंटम है, क्योंकि कोई भी चीज पीछे से चली आ रही है तो ये एनर्जी का खेल। अब कोई एनर्जी जो पीछे से आ रही है आपको धक्का दे रही है, आप प्रेजेंट में हो, मगर यही प्रेजेंट जो धक्का आपको लग रहा है आपको फ्यूचर में भी तो लेकर जा रहा है। सो ये जो चीज है जो केतु से चली आपको राहु के अंदर ले जाएगी, और राहु वैसे भी हमारा एनवायरनमेंट है। जैसे आज मैं प्रकृति के बीच में बैठा हूं, प्रकृति हमारा इस समय वातावरण है, एनवायरनमेंट है जो मुझे मिला हुआ है। अब ये खेल देखिए क्या है,
पास से चला, प्रेजेंट में आया और आपको फ्यूचर की तरफ ले गया। और किस चीज के ऊपर इसका अटैक हुआ? अटैक हुआ आपके मन के ऊपर, क्योंकि ड्राइवर एनर्जी तो आपकी मन है। अब मन के ऊपर अटैक हुआ, अब मन डाउन चला गया। मन वैसे भी चंचल है, मन वैसे भी कम से बढ़ना ये मन का स्वभाव है। चंद्रमा गति के हिसाब से कभी कम होगा कभी बढ़ेगा। वैसे भी मन चंचल भी बहुत है, एक जगह से रोकना उसे मुश्किल होता है। अब आप देखिए, जो लोग यहाँ पर साधना भी करते हैं उनको भी जब ये इस तरह की डिप्रेशन, इस तरह का एनवायरनमेंट, इतना बोझ आपके ऊपर हो जाता है कि आप अंदर से ब्लॉक हो जाते हो, एनर्जीज आपकी रुक जाती है। बट लाइफ तो रुकती नहीं, लाइफ तो चलती है। लाइफ चल रही है, अंदर से आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो गई हैं। अब आप समझिए, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, क्योंकि इसमें आपका जो अंदर, जिसको हम इनर बोलते हैं, आपका इनर तो कहीं ना कहीं गायब हो गया। जो एनर्जी का थर्स्ट मोमेंटम पीछे से आया, वो ही आपको धकेल के ले गया। आप तो कहीं बीच में दिखाई ही नहीं दिए। आपको डिप्रेशन आया, वो डिप्रेशन आपको ले गया डाउन में। आपको बीमारी आई, आप बीमारी में ग्रसित हो गए, ये और बुरी तरह उसके जाल में आप जकड़ गए। जो भी सिचुएशन हुई उसने आपको पकड़ लिया, आपकी एनर्जीज अंदर से ब्लॉक हो गई। अब लाइफ तो चल रही है, लाइफ तो जिस भी इंसान को जितनी परमात्मा द्वारा मिली है वो तो उतनी ही मिलेगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। अब यहीं पर वेदों से लेकर गीता तक में बहुत सी चीजें हैं दर्शकों, जो आपको समझनी है। वेदों ने आपको क्लियरली कहा कि प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति में दो शब्द मिल गए, प्र जमा कृति। कृति क्या है? कृति तो क्रिएशन है, यानी के क्रिएशन से भी पहले उसके अंदर कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन पड़ी है जो उस क्रिएशन को आगे बढ़ाएगी, उसको दिशा देगी, उसको गति देगी, उसको परिणति तक लेकर जाएगी। वेदों में सीधा सीधा बोल दिया गया कि प्रकृति ही भगवान है, प्रकृति ही परमात्मा है। अब इसी चीज को भगवान कृष्ण ने गीता में आपको समझाने का प्रयास किया दूसरे तरीकों से, शब्द बदले। उन्होंने कहा कि आपका कोई भी कर्म उसके इंटेंट द्वारा निर्धारित होता है। जिस भाव से आप कर्म करते हो वो ही भाव उसको परिणति तक लेकर जाता है, यानी कि रिजल्ट देता है। अब आप देखिए, वेदों का थॉट प्रोसेस, भगवान कृष्ण का थॉट प्रोसेस, कहीं ना कहीं वो जो कोड, वो जो कोडेड इंफॉर्मेशन क्रिएशन के समय पे होती है वो ही उसको आगे लेकर जाती है। अब हमें जो जीवन मिला, इस जीवन में आत्मा मिल गई, शरीर मिल गया, ये तो एक फिक्स चीज है, बट मन हमारी ड्राइवर एनर्जी है। और ऐसे समय में जब प्रकृति अपने मूल रूप स्वभाव में आपको अफेक्ट कर रही है, अब जैसे हम ग्रीनरी में बैठे हैं, खुशगवार एनवायरनमेंट है, मन भी खुश आ जाता है। यानी अब ये क्या है कि जो एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, जो प्रकृति आपको मिल रही है, वो आपको पकड़ रही है। वो प्रकृति कहीं ना कहीं आपके अंदर वो इन्फ्लुएंस डाल देती है जिसको आपको करना ही पड़ता है। अब उस प्रकृति के अंदर कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन है। अब या तो हम उस कोड को पढ़ें, अगर तो उस कोड को पढ़ लेंगे फिर तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कोड क्या थे। अब इसे हमारे ज्योतिष में प्रारब्ध भी बोल दिया जाता है। अब ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन किसी की भी लाइफ में आती है, आपको देखनी कैसे है? ये केतु से राहु तक और बीच में चंद्रमा। अब इसके अंदर एक और प्लेयर है, उसको आप भूलना मत। वो प्लेयर कौन सा है? वो प्लेयर है आपकी बुद्धि, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का रिसोर्स सेंटर। बुद्धि मन का बेटा है, मन की ही डायरेक्शन लेगा, उसकी डायरेक्शन कोई अलग नहीं होने वाली, वो
वो मन की ही गति लेगा। सो मन अगर डाउन हुआ तो आपका थॉट प्रोसेस भी डाउन हो गया। मन और थॉट प्रोसेस जब ये डाउन जाते हैं तो आप कैसी सिचुएशन हो जाती है, आप ब्लॉक हो जाते हैं। अब यहां पर दर्शकों शास्त्रों में कुछ खूबसूरत चीजें बताई गई जो हम भूल गए। शास्त्रों में कहा गया कि यहां पर आप प्रकृति को पकड़ो, अपनी प्रकृति को समझो। अब उस प्रकृति के अंदर चीजें क्या पड़ी हैं? चंद्रमा, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना यहां पर, चंद्रमा जो है ये आपकी ड्राइवर एनर्जी है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चंद्रमा का है। और चंद्रमा कहां पे एग्जॉल्ट करता है? कृतिका नक्षत्र में। तो दर्शकों जिस दिन कृतिका नक्षत्र, अब वो उपाय आप नोट कर लीजिए, जो लोग भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हैं, जिस दिन भी कृतिका नक्षत्र मिले, जैसे कल कृतिका नक्षत्र था, जिस दिन भी कृतिका नक्षत्र मिले उस दिन थोड़ा सा हिम्मत करिए। थोड़ा सा कष्ट लगेगा क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत से लोगों को सुबह उठने में कठिनाई होती है। थोड़ा सा कष्ट करिए, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य के उगने से पहले यानी सनराइज से पहले उठिए और अपने पार्क में आ जाइए। यानी के सूर्य के राइज के साथ साथ आप भी राइज करें। और राइज करके आपको क्या करना है, अपने पांव से चप्पल जूता निकाल दीजिए और पार्क में ग्रीनरी में घास में नंगे पांव कम से कम, अब यहां पर कम से कम की बात है, कम से कम 20 से 30 मिनट टहलिए। कम से कम 20 से 30 मिनट टहलिए। अब आप इसको ज्योतिष के साथ मिलाइए कि अब ये क्या हो रहा है। सूर्य का उगना, कृतिका नक्षत्र, सूर्य का आना, उस दिन आपका मन एक्सॉल्टेशन में है। और एक्सॉल्टेशन ये मन की सूर्य के राइज के साथ साथ है, क्योंकि मन की एक्सॉल्टेशन कहां पर है, मन की एक्सॉल्टेशन पहले पद में ही है। ये जो पद का खेल है, पद को नोट कर लीजिए। बाकी बहुत से लोगों के चार्ट में कृतिका नक्षत्र कहां होगा, उनकी राशि क्या होगी, वो अलग मैटर है, वो आपके चार्ट से देख के बताया जा सकता है। मगर यहां पर हम जो उपाय बता रहे हैं ये जेनेरिक है और सबके लिए है। सो आप यहां पर क्या करिए, सुबह उठिए सनराइज से पहले, सनराइज के साथ साथ पार्क में आइए, नंगे पांव घास में 20 से 30 मिनट। अब यहां पर ये 20 से 30 मिनट का ये फंडा क्या है, अब आप क्लियरली इस बात को समझिए। यहां पर भी लॉजिक है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि जिसको हम कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन, कॉन्शियस ब्रेन 8 से लेकर 15 मिनट तक कॉन्शियस ब्रेन काम करता है। जैसे ही हम 15 मिनट से आगे जाते हैं, सब कॉन्शियस अपने आप अपीयर होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही सब कॉन्शियस अपीयर होता है, अब आप क्या कर रहे हो, सब कॉन्शियस घास, ग्रीनरी, मर्करी, आपने क्या किया, उस मर्करी को साथ में सनराइज कर रहा है। और उसके साथ साथ ही, सनराइज के साथ साथ भी आपका जो मन जो डाउन गया हुआ था, अब वो ऊपर को आएगा, एग्जॉल्ट करेगा। और जैसे जैसे आपका मन एग्जॉल्ट करेगा, आप स्ट्रांग फील करोगे। जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जिसने आपके आगे मतलब अगल बगल एक विशियसनेस का एनवायरनमेंट सा बना दिया था, आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल गए। ये आपने एक तरीके से परमात्मा को, प्रकृति को, डिवाइन को अपने अंदर उतरने दिया। उस दिन आपने अपनी ड्राइवर एनर्जी चंद्रमा को शांत रखा। जो हो रहा है आपने होने दिया। और यहां पर कृतिका नक्षत्र का दिन आपके लिए एक वंडरफुल रेमेडी बन जाएगा। आप इतना स्ट्रांग फील करोगे कि डिप्रेशन कहां गया। अब इसके साथ दर्शकों कुछ छोटी छोटी चीजें और की जा सकती है। अगर आप उस समय दो मुखी रुद्राक्ष अपने हाथ में ले लें, अपने शरीर के पास रख लें, और बेनिफिट हो जाएगा। आप मोती पहन लें,
और बेनिफिट हो जाएगा। अब ये जो चीजें हैं, आप देखिए, ये शास्त्रोक्त है, ये विधियां शास्त्रों में हैं। ऋषि सीधा नहीं बोलते, ऋषि कोडेड लैंग्वेज में बात करते हैं, ऋषि समझा देते हैं कि भाई इस तरह कर लो। और कृतिका नक्षत्र यहां पर एक बहुत खूबसूरत फल देने वाली आपके लिए एंटिटी है। इसका आप इस्तेमाल करिए, डिप्रेशन को भगाइए, नेगेटिविटी से निकलिए, उस जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस का एनवायरनमेंट आपको ग्रसित कर चुका है। हम कहते हैं हम राहु के माया जाल में फंस गए, ये एक्चुअल में राहु का माया जाल नहीं है, ये आपके केतु का आपके पास्ट से पीछे चली आ रही चीजें थी जिसने आपको पकड़ लिया था। मगर पकड़ कैसे लिया, वो आपका एनवायरनमेंट बन गया और उस एनवायरनमेंट ने आपको ग्रसित कर लिया। आप पकड़े गए, आप ब्लॉक हो गए। अब उस ब्लॉक को आपसे तो तोड़ा नहीं जा रहा। इवन यहां तक क्या, आप देखिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी ये ब्लॉक नहीं तोड़ पाते। तो यहां पर हमें परमात्मा के, प्रकृति के सानिध्य में उतरना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना पड़ेगा परमात्मा के सामने कि परमात्मा अब हमसे कुछ नहीं हो रहा, अब आप ही आइए, आप ही उतरिए हमारे अंदर, आपका प्रकाश ही हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करेगा। और दर्शकों, जिस दिन भी आपने पूरे मन से ये उपाय कर लिया, और आप देखोगे कि उसके बाद आपका जीवन खुशगवार हो जाएगा। ये है ज्योतिष को अपने जीवन में उतारने का तरीका। दर्शकों, ये उपाय बहुत देखने में छोटा सा है, मगर जब आप करोगे तब आपको पता लगेगा कि वो डिप्रेशन जो आपको 6 महीने 1 साल से तंग कर रहा था, आप लाखों रुपए की दवाइयां खर्च कर चुके थे, इतना कुछ आपने अपनी तरफ से प्रयास किया था, मगर उसके बावजूद भी रिजल्ट बिल्कुल जीरो था। और यहां पर बिना एक पैसा खर्च किए सिर्फ परमात्मा के सामने सरेंडर कर गए। अब यहां पर दर्शकों, आपको मैं एक और चीज बता दूं कि इसमें हुआ क्या था। ये इंटरनल बात है, ये हुआ क्या था। हम एक वर्ड यूज करते हैं, ग्राउंडिंग। अब ये ग्राउंडिंग क्या है, जब हमने अपने जूता चप्पल उतार दिया, हम धरती के सानिध्य में आ गए, तो हमारी नेगेटिव एनर्जीज धरती माँ एब्जॉर्ब कर लेंगी, सोख लेंगी, और अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डाल देगी। ये एनर्जी का फ्लो चल पड़ेगा, और वो एनर्जी का फ्लो जो आपको अंदर से ब्लॉक करे बैठा था, वो ब्लॉक आपके खोल देगा। अब ये साइंटिफिक है हर चीज। देखिए, ऋषियों द्वारा दी गई कोई चीज भी लॉजिक के बिना नहीं है और साइंस के बिना नहीं है, सिर्फ हमें उस साइंस को समझना है, उस साइंस को अपने जीवन में उतारना है। और ये होगा तब जब हम उस परम आत्मा कह लीजिए, उस प्रकृति को कह लीजिए, उस एनवायरनमेंट को कह लीजिए, जब हम उसके सामने पूरे मन से सरेंडर कर देते हैं, तो ये तब घटित होता है। तो दर्शकों, ये एक छोटा सा उपाय था, मगर आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ये ला सकता है। तो जिस दिन भी कृतिका नक्षत्र आया करे, आप ये काम करिए, और आप देखोगे कि आपका जीवन एकदम से, जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो गई और आप नए की तरह इस जीवन यात्रा को लेने के लिए, इस जीवन संग्राम को जीतने के लिए आप आगे चल पड़ोगे। सो दर्शकों, ये जो निवेदन मैं हर वीडियो में आपसे करता हूँ, ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस मेरा अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैदिक नॉलेज आपको दी जाती है, शास्त्रों की नॉलेज आपके साथ शेयर की जाती है। सो इस नॉलेज को घर घर तक पहुँचाएं, इस यज्ञ में अपनी भी आप आहुति डालें, और जैसे जैसे ये आहुति आप डालते जाएंगे, ये चैनल बड़ा होता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश घर घर तक पहुँचता जाएगा, अंधकार दूर होता जाएगा, और सभी लोग अपने जीवन यात्रा को अच्छे ढंग से ले पाएंगे। सो दर्शकों, एस्ट्रो इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घर घर तक पहुँचाएँ। और जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सो जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, उन सबकी सेवा के लिए अब मैं तैयार हूँ। आप फ़ोन उठाइए 9888164480, और नया बैच
हम अपने इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं, उसमें भी आप एनरोल करवाइए। उसके लिए भी मेरा फ़ोन नंबर वही है 9888164480। इन दोनों कामों के लिए आप दर्शकों यही एक फ़ोन नंबर इस्तेमाल करिए, यही हमारा ऑथेंटिक फ़ोन नंबर है। बाकी और नंबर्स बहुत कुछ देखिए चलता है, लोग करते हैं अपनी तरफ से कोशिश, मगर हमारा सिर्फ और सिर्फ यही एक नंबर है जिसके माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, इसी तरह जीवन यात्रा को आगे चलाते जाए और पूरे मजबूती से पूरी स्ट्रेंथ के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें और जीवन यात्रा को जीत लें। धन्यवाद।